प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों की समीक्षा की। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया 31 अगस्त तक बजट व्यय का 44% हुआ खर्च, बिना किसी कटौती के साल समाप्ति होने का जताया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर राजगढ़ के ग्रामीणों से किया संवाद। स्वच्छता आंदोलन में जुड़ने के लिए ग्रामीणों को दी बधाई। स्वच्छता को ध्यान में रखकर गांव में गोबर गैस प्लांट का किया जा रहा स्थापित। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने उज्जैन के नागदा में झाड़ू लेकर स्वच्छता ही सेवा मिशन में की भागीदारी। जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक कर रहे उपस्थित। कहा, प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत निर्माण के सपने को पूरा करने का अभियान। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वच्छता सेवा पखवाड़े का किया शुभारंभ। नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि हुए शामिल। शहर के पर्यटन स्थलों में की गई साफ सफाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा, स्वच्छता बना अब जन जन का अभियान। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के तहत टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने जिला चिकित्सालय में चलाया स्वच्छता अभियान। जिले के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने भी किया सहयोग। स्वच्छता अभियान को व्यापक स्वरूप दिए जाने की बताई जरूरत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में की भागीदारी। जयपुर में ग्रामीणों के साथ मिलकर स्वच्छता की चलाई मुहिम। स्वच्छता अभियान संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। स्वच्छता मुहिम में जनभागीदारी का किया आह्वान। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की कार्यशाला का किया आयोजन। दलों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाने बुलाई गई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया संवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में 36,30,00,000 रुपए के 5 विकास एवं निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन एवं लोकार्पण। मंत्री रामपाल सिंह, स्थानीय विधायक संजय शर्मा सहित वरिष्ठ भाजपा नेता रहे उपस्थित। जन आशीर्वाद यात्रा को भी किया संबोधित। भोपाल के रविन्द्र भवन में मनाया गया अभियंता दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इंजीनियर्स को किया संबोधित। करहा इंजीनियर्स के श्रम, समर्पण और योगदान के बिना सामाजिक मूलभूत विकास की संरचना और आवश्यकताएं पूरा होना मुश्किल। भोपाल के वात्सल्य भवन में पोषण कार्यशाला का हुआ आयोजन। विभिन्न विभागों और स्टेक होल्डर्स के समन्वय से पोषण प्रबंधन की रणनीति पर हुई चर्चा। महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने पोषण को जन आंदोलन बनाने की बताई जरूरत। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने इंजीनियर्स डे पर अभियंता और संविदाकारों का किया सम्मान। कहा, इंजीनियर विकास का शिल्पकार, उसकी सोच, लगन और मेहनत से ही आधुनिक राष्ट्र का होता है निर्माण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C42 का करेगा प्रक्षेपण। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रात 10:08 पर किया जाएगा प्रक्षेपित। ब्रिटेन के परिवेक्षी उपग्रह अंतरिक्ष में लेकर जाएगा प्रक्षेपण यान। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। 5 मंजिला भवन के निर्माण कार्य के शुभारंभ पर राजस्व मंत्री ने सभी काम निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश। सिंधिया गोल्ड कप महिला हॉकी के फाइनल में रेलवे ने की अकादमी को 1-0 से हराकर जीता खिताब। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विजेता टीम को किया पुरस्कृत। प्रथम 3 टीमों को राजभवन की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। रेलवे की सोनल मिंज सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, प्रियंका वानखेड़े सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के तौर पर सम्मानित। राष्ट्रीय पोषण माह एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सागर में मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर आलोक सिंह ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में विस्तार से दी जानकारी।